दोस्तों नमस्कार, मैं ललित शर्मा सनशाइन किचन अप्लायंसेस की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको गैस स्टोव के पार्ट्स के बारे में और इसकी रिपेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सब जानते ही होंगे कि जैसे गैस स्टोव के बिना एक घर अधूरा होता है, उसी प्रकार से आप सब लोगों के बिना ये गैस स्टोव अधूरा है, क्योंकि आप सब इसके डॉक्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पैन सपोर्ट से। ये शीट मेटल के दो पैन सपोर्ट हो, आप सब लोगों ने देखे होंगे। कुछ लोग इनको ऊपर का स्टैंड कह देते हैं, बर्तन रखने वाला, कुछ लोग इसको ऊपर की जाली बोल देते हैं। गैस स्टोव में एक चीज़ आपको ख़ास तौर से ध्यान करनी पड़ेगी, जितनी सिटीज़ हैं उन सब सिटीज़ के अंदर इन गैस स्टोव के पार्ट्स को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, तो कृपया जो जो नाम मैं आप लोगों को बताऊं इनको आप नोट करते जाइए। ये पैन सपोर्ट स्टेनलेस स्टील में भी आते हैं और ड्रिप ट्रे इसके साथ ही लगी होती है। कुछ चूल्हों में ये भी पाए जाते हैं। बहुत वर्ष पहले कास्ट आयरन, जिसको कि देगजून बोलते हैं, ये पैन सपोर्ट भी इस्तेमाल में आते थे, लेकिन आजकल ये ना के बराबर हैं। बहुत पुराने कुछ चूल्हों के अंदर इक्का दुक्का कहीं पाया जाता है। ये दो स्टेनलेस स्टील की डिप ट्रे होती हैं, इनको कुछ लोग स्टील की कटोरी भी बोल देते हैं कि भाई ऊपर रखने वाली स्टील की कटोरी। इसका फंक्शन ये होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि यदि चाय, दूध, कड़ी, सब्जी कोई उबल कर गिर जाती है तो ये नीचे नहीं गिरती, इस पर गिर जाती है, और इसको आप गर्म पानी में डालिए, धोइए और फिर से लगा लीजिए। ये दो ब्रास बर्नर होते हैं और आजकल 99% ब्रास बर्नर ही चल रहे हैं। बहुत वर्ष पहले कास्ट आयरन के बर्नर चला करते थे, अब इनका प्रचलन बिल्कुल बंद हो गया है। उसका रीज़न ये है कि इसमें रस्ट आ जाता है और इसकी सफाई में गृहिणी को बहुत दिक्कत आती है। ब्रास बर्नर का फंक्शन बड़ा स्मूथ है, यदि इनमें कभी कचरा आ भी जाता है तो इनको आप गर्म पानी में डालिए और निकाल लीजिए। यदि फिर भी कचरा नहीं जाता तो इसमें आप पिन से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा चलते हैं गैस स्टोव की नीचे की ओर। ये आप देख रहे होंगे रबड़ के, ये इसमें चार पाए होते हैं, इनको रबर लेग्स भी बोल देते हैं, कुछ लोग इनको बूट बोल देते हैं नीचे का, कुछ लोग इनको रबड़ का स्टैंड बोल देते हैं। तो हर शहर में इसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको पुकारा जाता है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक लेडी जो हरियाणा से बॉम्बे आते हैं ट्रांसफ़र होके, तो वो यदि इसकी कोई कंप्लेंट करती है तो मैकेनिक को बोलती है भैया वो नीचे का बूट खो गया है, तो बॉम्बे वाला मैकेनिक थोड़ा अचंभे में पड़ जाता है, भाई बूट क्या है ये। तो यदि आप अभी इसे लिख लेंगे कि बूट भी इसी रबर लेग को बोला जाता है, तो आपको उस लेडी को ये रबर लेग देने में दिक्कत नहीं होगी। ये दो इसमें स्टेनलेस स्टील की डायल प्लेट होती हैं, इनके ऊपर नॉब लगती है, ये इसलिए होती हैं, इसमें ऑन ऑफ का निशान दिया हुआ होता है और इसमें सिम का भी निशान होता है, और इसके पीछे ये नॉब होती है। कुछ लोग इसको नॉब बोल देते हैं, कुछ लोग इसको स्विच बोल देते हैं, कुछ लोग इसको ऑन ऑफ करने का खटका बोल देते हैं, तो इसके भी तीन चार नाम हैं। प्लीज़ आप सब ये चीज़ें भी नोट करते जाइए। अब हम चलते हैं चूल्हे के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पे, जो कि चूल्हे की गैस स्टोव की रीढ़ की हड्डी है। ये पाइपलाइन असेंबली है, इसमें दो वाल्व लगे हुए जिनको गैस कॉक भी बोलते हैं। ये चूल्हे की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चूल्हे का दिल भी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। ये कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल मशीनों पर बना हुआ है, ये साधारण मशीन पर नहीं बना है। ये एंड प्लग है, ये नोजल है, इसमें सुरक्षा पाइप लगती है। इसको आप राइट की तरफ भी कर सकते हैं और लेफ्ट की तरफ भी कर सकते हैं, जैसे आपका सिलेंडर रखा है। इसके आगे दो जेट लगे होते हैं, इन जेट्स को कुछ लोग निपल बोल देते हैं, कुछ लोग इनको मक्खी बोल देते हैं, तो इसके भी भिन्न भिन्न प्रकार के तीन चार नाम हैं।
ये जो वाल्व है, इस वाल्व में एक टेपर प्लग होता है, एक स्पिंडल होता है, एक स्प्रिंग होता है, एक लॉक पिन होती है। तो जब हमने इसका सिम बनाना होता है, जब सिम पे गैस स्टोव बंद हो जाता है, तो इसको लॉक पिन इसकी खोल के, इसका टेपर प्लग निकाल के, उसकी ग्रीस को ठीक से साफ़ करके, और फिर दोबारा इसको फिट कर दिया जाता है। जो जो भाई लोग नए हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया था, वो कृपया अपने हाथ खड़े करें, सो हम उनको बुलाएंगे और उनको ये चीज़ सिखाएंगे। ये दो मिक्सिंग ट्यूब होती हैं जो चूल्हे के नीचे इस पाइपलाइन में लगती हैं। ये आजकल एल्युमिनियम में ही आती हैं। बहुत वर्ष पहले ये भी कास्ट आयरन के अंदर देख जून में आया करती थी, लेकिन अब ये 99% एल्युमिनियम में ही आती हैं। यदि चूल्हा येलो फ्लेम देता है तो इसके अंदर कचरा आ जाता है, बावरी आ जाती है, उसको साफ़ करना होता है, पाइपलाइन की अलाइनमेंट गलत हो जाती है, उसको ठीक करना होता है। तो इन कारणों से येलो फ्लेम को रोका जा सकता है, उसका दोष दूर किया जा सकता है। अब हम आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं जो सनशाइन लेके आए हैं, जो अभी तक किसी के पास नहीं थी, सनशाइन मीठी अंगीठी। ये दादी माँ और नानी वाला कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। जो बहुत वर्ष पहले कोयले की अंगीठी का जायका टेस्ट आता था, वही टेस्ट आप इस पे पाएंगे। इसमें सिंगल बर्नर, टू बर्नर, थ्री बर्नर, फोर बर्नर, चारों मॉडल आते हैं। इसकी खासियत ये है, ये लावा रॉक्स हैं जो कि ज्वालामुखी फटने के बाद न्यूजीलैंड और कनाडा से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ये वहाँ पाए जाते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि ये एक साधारण पत्थर नहीं है, साधारण कोयला नहीं है। इसको आप 5 दिन 6 दिन प्रयोग में लीजिए और फिर इसे धो लीजिए। ये जो लावा रॉक्स है, ये केवल इसी हमारे स्टोव में फिट होंगे, इट कैन नॉट बी फिटेड इन एनी अदर स्टोव, सो डोंट ट्राई डैट। इस पर खासियत ये है, इस पर आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। रेगुलर खाना तो आप बना ही रहे हैं, इसके अलावा आप इस पर बारबेक्यू भी कर सकते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं, इस पर आप पनीर टिक्का, भुट्टा, तंदूरी आलू, तंदूरी गोभी भून सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। और इस पर आप जो सूजी का हलवा बनाएंगे, उसका जो टेस्ट है, ये साधारण बर्नर से, रेगुलर बर्नर से बेटर होगा, क्योंकि ये स्लो कुकिंग है, ये डायरेक्ट हीट नहीं आ रही है, दिस इज नॉट डायरेक्ट हीट, सो यू कैन डू इट लाइक दिस। यदि आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसे रेगुलर, जो चपाती आप इस पे बनाएंगे, वो उस जो मज़ा इस बर्नर पे आएगा, वो इस बर्नर पे नहीं आएगा। ये जो ऑर्गेनिक फूड है, ये फूड डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों, एसिडिटी, इनको कंट्रोल करता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक खाना है, ये दादी माँ नानी वाला है। जैसे इस पर आप सूजी का हलवा, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी बनाइए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। ये इंडिया में सिवाय सनशाइन के किसी ने नहीं बनाया। और इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।